कृत्य है, दिस इज नेचुरल, इसको नेचुरल मत बोलिए सर। इस बिजनेस की आप बात कर रहे थे, हिंदुस्तान ने तरक्की थोड़ी सी नहीं की सर, मैं कंट्रीज में उत्तर प्रदेश छह कंट्री में टॉप में, क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, है ना, मुझे हो रहा है गुजरात, सारी चीजें बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद, गुजरात भारत की उत्पत्ति ही बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। आप लोग ऐसे बोलते हैं कि 50 साल में कुछ था ही नहीं, आप पहले 50 साल में कि नहीं, आप भी अरे वो फर्क देखो, 10 सालों 50, ये मिसमैनेजमेंट है, इनएफिशिएंसी ऑफ योर गवर्नमेंट है, आप झिझकिए मत, उनमें से अगर 70 प्रभावित हो गए, 25 हो गए, आप यही मान लीजिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा, आप बोलिए केवल एमओयू साइन कर रहे हैं, जवाब अभी मैं आपको एमओयू का जवाब दे रहा हूं, जो क्यों रहे मानिए 50 साल के। आज हम बात करने जा रहे हैं वाइब्रेंट गुजरात समिट की, जिसके जरिए एक बार फिर गुजरात और यूपी में बीजेपी की सरकार है, चुनावी बेला भी करीब है, ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी उठाए जा रहे हैं कि इस तरह के आयोजनों के पीछे राज्य या देश की ब्रांडिंग ज्यादा हो रही है या सरकार अपनी ब्रांडिंग ज्यादा कर रही है। आज मुद्दा में चर्चा इसी पर, या तो सवाल इस बात को लेकर भी उठाए जा रहे हैं कि निवेश को लेकर ब्रांडिंग ज्यादा है या फिर सरकार की ब्रांडिंग इसके जरिए ज्यादा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चुनावी बेला करीब आते जा रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात आज के अपने सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से ए के मिश्रा जी जुड़े हैं, आप आर्थिक विश्लेषक हैं, हम उनसे तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे कि वाइब्रेंट गुजरात समिट के माध्यम से इससे पूर्व जो दावे किए गए थे वो दावे किस हद तक पूरे हुए हैं और मौजूदा जो कवायद की जा रही है इससे आने वाले वक्त में कितना फायदा हो सकता है। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत में मिश्रा जी आपसे ही करूंगा, एक तरफ वाइब्रेंट गुजरात समिट और उसके बाद वाराणसी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन, कैसे देखते हैं इन आयोजनों को? अच्छा, देखिए आपका जो तर्क है, जो लॉजिक है, वो बहुत सही है। एक तरफ तो मैं मानता हूँ कि ये जो फेयर होते हैं, ट्रेड फेयर होते हैं, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा, देखिए पॉलिटिक्स को दो तरीके से आप डिवाइड करिए, एक होता है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स और दूसरा होता है प्रिंसिपल बेस्ड। बीजेपी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में बड़ी माहिर है, मैं आपको बताऊंगा, उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट हुई थी और शायद 2 दिनों तक मैंने लगातार कवरेज की थी। अब देखिए फर्क समझने की कोशिश करिए, ये चीजें बहुत अच्छी है इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन एक इन्वेस्टर जब आता है तो वो क्या चाहता है, इन्वेस्टमेंट केवल फेयर लगा देने से, ट्रेड फेयर कर देने से, समिट कर देने से नहीं होता है। आपके कंट्री में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तब होता है जब रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सही हो। यूपी में मैं बहुत फेवरेबल था इन लोगों के प्रोग्राम के और हर दिन न्यूज आ रही थी वहां पे 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया, ये किया, वो किया, ऐसे ही यहां पे भी न्यूज आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि ज्यादातर ऐसे समिट में एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होते हैं और ये डॉक्यूमेंट लीगली इन्फोर्स्ड नहीं होता है। जैसे किसी ने 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए एमओयू साइन किया इंडिया की किसी कंपनी या गवर्नमेंट के साथ, वो एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, हम दोनों मिल गए, हाँ भाई हम करेंगे, लेकिन वो बाध्य नहीं होता है कि वो करे और बाद में वो मुकर जाते हैं। जरा बीजेपी की गवर्नमेंट से पूछिए कि यूपी इन्वेस्टर समिट में जो इतना इन्वेस्टमेंट हुआ था वो कहां गया, अगर उतना इन्वेस्टमेंट हुआ होता तो आज की डेट में यूपी में पूरी काया जो है पलट हो जाती। होता क्या है, उनको चाहिए रोड, उनको चाहिए रिटर्न, एश्योर्ड रिटर्न चाहिए, उनको चाहिए लॉ एंड ऑर्डर। बीजेपी करेगी क्या, लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे घोषणा होगी, एमओयू साइन होगा और उसके दूसरे दिन आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण देंगे कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आज तक भारत के इतिहास में किसी एक शिविर में या फेयर में नहीं हुआ। ये है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। बीजेपी इन सारे सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और ग्रोथ का प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के प्रिंसिपल के बेस पे चुनावी फायदा लेती है और लेना चाहेगी, और उसका एग्जांपल दूंगा, भारत जब छठी इकोनॉमी बना या इनको कहीं से अवार्ड मिल गया क्रेडिट रेटिंग, तो 2 दिन उसी पे चर्चा होती रही कि हमारे जमाने में ये क्रेडिट रेटिंग इंडिया 4th नंबर पे आ गया, जबकि उन सब चीजों का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या ग्रोथ पे कोई बहुत असर नहीं पड़ा है, केवल परसेप्शन बिल्डिंग का। चले बिल्कुल, इसीलिए आज हम इस बहस को चर्चा में भी लेकर आए हैं क्योंकि दावे बड़े बड़े किए जाते हैं और मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि जिस मकसद के साथ इस तरह के आयोजन होते हैं क्या वो मकसद पूरा हो पाता है, एक बार फिर मैं इस पर आपसे जवाब चाहूंगा मिश्रा जी। नहीं देखिए पास रिकॉर्ड देश में इससे पहले भी तमाम इन्वेस्टर समिट हुई है अलग अलग राज्यों में भी। अच्छा यही रोना है, देखिए जो अगर आप गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की हो किसी की, सब चाहते हैं कि ग्लोबल हब बने इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग का,
हर चीज का, रिसोर्स, टैलेंट और इन सब चीजों की कमी नहीं है। कोई भी ग्लोबल इंडस्ट्री मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के फील्ड में जब वो इतना पैसा लगाती है वो एश्योर्ड रिटर्न चाहती है। और ये कैसे होता है, जब प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल और 24 आवर सस्ते पे कॉम्पिटिटिव रेट पे आप उसको सुविधाएं दीजिए, सिक्योरिटी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। आपने यूपी में इन्वेस्टर समिट का जिक्र किया जी, सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि निवेशक काफी आकर्षित हुए हैं क्योंकि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव की बात कही जा रही थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में सरकार ने कई कदम उठाए, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, तमाम मुद्दों पर सरकार ने काम किया है। और सरकार दावा कर रही है कि इसलिए इन्वेस्टर्स उत्साहित भी हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां आपके लिए कहा जाता था कि वहां पर कोई निवेशक जाना मुफीद नहीं समझता, जो कमियां आप बता रहे हैं उसके लिहाज से, लेकिन अब मौजूदा सरकार दावा कर रही है कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं इस चीज को मानता हूं, हर सरकार में हर 5 साल में देश तो ग्रो करता ही करता है ना। वो आप ये देखिए सन 50 में सन 47 में देश की क्या कंडीशन थी, हर 5 साल 10 साल में अब ठीक है। ग्रोथ का रेट कितना है, किसी गवर्नमेंट में 5% होगा, किसी में 8 होगा, किसी में 2% होगा, बहुत सारे फैक्टर है। सवाल इस चीज का नहीं है, सवाल तो आज के 10 साल बाद भी चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट ना हो तो ग्रोथ तो होना ही होना है, क्योंकि ये भारत की जो जनता है, जो टैलेंट है, उनके दम पे ये होता है। सवाल ये है कि जितना ये क्लेम करते हैं उतना होता है कि नहीं होता है, ये केवल मतलब आज हम यही जानने के मकसद से इस विषय को चर्चा में लेकर भी आए हैं। चले बिल्कुल, सवाल इसी बात को लेकर है कि व्यापारी सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा चाहता है और उसके बाद जो व्यवस्थाएं हैं मुकम्मल तरीके से कि उसे दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, काम आसानी के साथ हो पाए ताकि वो अपने व्यापार को बेहतर तरीके से स्थापित कर पाए। हालांकि दावे तो खूब किए जाते हैं लेकिन इन दावों की हवा कई बार निकलती दिखाई देती है। सरकार की तरफ से दावे किए गए थे कि 28 लाख करोड़ का निवेश आया, फिर सरकार ये आंकड़े जारी करने से डरती क्यों? अंदाजा लगा दीजिएगा कि 2017 में अगर हमारे यहाँ 25,000 डेलीगेट्स आ रहे थे 100 देशों के, तो इस बार हमारे यहाँ 33,000 आ रहे हैं और 25,000 कंपनी रजिस्टर्ड है। सवाल इस बात को लेकर है ना, भी हमको आप ये कहते हैं कि भाई मेले में बहुत जबरदस्त तरीके से भीड़ थी, लोगों का बहुत उत्साह था और लोगों ने बड़ी सराहना की, लेकिन सवाल ये है ना कि लोग वहाँ पर आकर कितना इन्वेस्ट करने के लिए मेले में खुद की भागीदारी को लेकर कितना वो आगे बढ़ते हैं, इसको लेकर है। क्योंकि उद्योग कमिश्नर की वेबसाइट है गुजरात के, जिन्होंने आंकड़े दिए कि अब तक 11 लाख करोड़ के निवेश हैं, ये आंकड़े एक्चुअल हैं। सरकार 28 लाख करोड़ कह रही है, वेबसाइट 11 लाख करोड़ कह रही है, और वो भी अब भी स्पष्ट नहीं है ये जो वास्तविक आंकड़े वेबसाइट पर डाले गए हैं ये हुआ भी है, इसलिए सवाल उठ रहा है। खरा साहब, हम आपसे कह रहे हैं ना, अकेला आंकड़ा नहीं होता है, विश्वास जगाना भी, जिस तरह से वर्ल्ड बैंक से हमने लोन नहीं लिया 5 वर्षों में, तो एक विश्वास जम गया पूरे विश्व का हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर, जो सोने की चिड़िया की हमारी कल्पना थी उसके पीछे लगे हुए हैं। आप एक समिट पे एक सर, हम आंकड़ों पर अगर बात करते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। जो ग्लट की कर दी ना सोने की चिड़िया, मुझे ये बताइए, मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए। खैर साहब, ग्लट की चिड़िया को अब दोबारा उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप बात कर रहे हैं, इन बातों का मतलब नहीं है ना। अगर हम आंकड़ों के जरिए बात करें और सरकार की कवायद का कितना फायदा हुआ इस पर बात करें तो दर्शकों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जो आरोप लग रहे हैं कि समिट की ब्रांडिंग कम, सरकार की ब्रांडिंग ज्यादा है क्योंकि चुनावी बेला करीब है, इसमें सरकार की ब्रांडिंग क्या काम है इसमें? तो फिर मोदी जी क्यों जा रहे हैं वहां पे? अच्छा, तो आप जाएंगे उद्घाटन करने? आप जाइए ना, हमें बुलाएंगे प्रधानमंत्री तो नहीं जाएंगे, आपको तो जाना चाहिए। तो सबसे सम्मान की बात है, क्या घटिया प्रश्न किया आपने? इतना घटिया प्रश्न किया, मोदी जी क्यों जा रहे हैं? अरे तो आप जाओगे उद्घाटन करने? मोदी जी ही जाएंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री उन्होंने शुरू करी है और रहेंगे बनारस में अभी रहेंगे। ये भी कोई प्रश्न, मोदी जी क्यों जाएंगे? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। क्यों है मोदी जी ने किया था? आप आंकड़े नहीं दे रहे ना, आप आंकड़े सामने नहीं रख रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। अगर आप आंकड़े सामने रखते हैं कि एक्चुअल निवेश कितना हुआ है, तब लोगों को ज्यादा से बेहतर जाएंगे। सर हम क्यों नहीं जाएंगे? मोदी जी ने शुरू किया, बताइए मुझे, आप पहले कुछ करो ना, इनको पहले आप कुछ करिए तो आप जाइए। सर इससे उन्हें आकर्षित करने का प्रयास भी करेंगे, मैं मिश्रा जी आपके पास ही आऊंगा। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि MOU तो लाखों करोड़ के हो जाते हैं, कि भाई जब भी समिट होती कोई कहता है कि 1 लाख करोड़ MOU पर हस्ताक्षर हुए, कोई 2 लाख, उत्तर प्रदेश में 4 लाख करोड़ का जिक्र किया गया, वजह क्या आप देख पाते हैं कि जितने MOU हस्ताक्षर होते हैं
उतना निवेश उतर नहीं पाता धरातल पर। अच्छा मैं आपको बता दूं, देखिए मैं इस चीज का घोर समर्थक हूं कि ऐसे ब्रांडिंग होना चाहिए, देश की इमेज बिल्डिंग होती है, ये बहुत जरूरी है, सारे कंट्रीज करती हैं। फर्क यहाँ पे ये है, हमारा विषय वस्तु या मेन मुद्दा ये था कि ये वाकई में 101% डेडिकेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ है कि पॉलिटिकल माइनस पार्टियां ले रही हैं, चाहे सपा हो चाहे बसपा, आज बीजेपी है तो बीजेपी की। देखिए देश में प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि चुनाव तो हमेशा होते रहते हैं, अगर इस लिहाज से देखा जाए तो फिर क्या यही माना जाए कि चुनावी बेला में ही सरकारें काम करती हैं? नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आपका जो सवाल है मैं इसको भी सही मानता हूँ कि चलिए किसी भी टाइम आपने किया, वाइब्रेंट गुजरात का टाइम यही है तो आपने यही किया। सवाल यह है, पहला सवाल आपका यह है कि इतने एमओयू साइन होते हैं, एग्जीक्यूट क्यों नहीं होते हैं? गुजरात में देखिए 80 लाख के एमओयू 16 साल में साइन हुए हैं, एक वेबसाइट आप ही ने बताया कि दिखा रही है इतने लाख करोड़ का, 28 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, दूसरी वेबसाइट दिखा रही है कि 11 लाख करोड़ का, इतना बड़ा गैप क्यों है? ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। मैं यही तो आपसे जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि ये क्या कारण होते हैं? एमओयू तो हस्ताक्षर हो जाते हैं लेकिन जब निवेश धरातल पर होना है, इन्वेस्टर चाहे वो इंडिया का हो चाहे कहीं का हो, मैं बोलता हूँ रिलायंस वाले मुकेश अंबानी वगैरह क्यों नहीं यूपी बिहार में करते हैं? जो आदमी 1,000-2,000 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा, आकर के वहां पे घूमना टहलना जाना और एक बढ़िया परसेप्शन बना के वापस चले जाना दूसरी चीज है, मेला देखना दूसरी चीज है, लेकिन सवाल ये होता है कि वो जब लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा, 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा, तो वो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पैरामीटर पे देखता है कि इसका रिटर्न क्या होगा। उसमें बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो फैक्टर आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, बैंक फैसिलिटीज कैसी हैं, गवर्नमेंट की उस स्टेट की पॉलिसी क्या है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन क्या है, गुजरात और महाराष्ट्र जो इतने डेवलप किए हैं तो समुद्र के किनारे होने के कारण भी वो डेवलप किए हैं, लॉ एंड ऑर्डर वर्क कल्चर अच्छा है वहां पे, तो ये सैकड़ों ऐसे माइक्रो और मैक्रो लेवल पे फैक्टर होते हैं जो कि इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। देखिए सिंगल विंडो स्कीम हमने शुरू कर दिया, हम इजी ऑफ डूइंग बिजनेस पे हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं हमने इंप्रूव किया, लेकिन अभी भी शायद हम 35वें या 40वें हम जो है हमें अभी भी 35 या 40 दिन लगता है एक कंपनी को यहाँ खोलने में, कुछ देशों में 1-2 दिन लगता है। पहले की तुलना में सुधार आया? नहीं, सुधार तो देखिए सुधार और इम्प्रूवमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो हो रहा था, जिस सिंगल विंडो सिस्टम की आपने बात मानता हूँ, सरकार ने भी कहा कि हमने सिंगल विंडो सिस्टम किया है और अब इन्वेस्टर्स को परेशान नहीं होना पड़ेगा कि दफ्तर के चक्कर काटने हैं, काम ये होना चाहिए, ये होना कुछ चाहिए, परिवर्तन हुआ है? और हाँ नहीं, डेफिनेटली देखिए कुछ परिवर्तन इसमें हुआ है, और लेकिन ये सारे परिवर्तन जो अभी हो रहे हैं ना, ये ऊंट के मुंह में जीरा है, इतने बड़े देश के लिए और जो टारगेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाइना को और यूएसए को कॉम्पीट करना, ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनना, ये प्रयास अभी भी बहुत छोटे हैं, इसका कोई मायने मैं नहीं मानता हूं। खैर साहब, प्रयासों में कर रहे थे तो झिझक क्यों गए बोलते बोलते? नहीं मैं कंप्लीट करता हूं। नहीं नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हैं आपस में मत लड़िए। नहीं डॉक्टर खैर, 40 दिन हमें लगता है। मिश्रा जी, कई सवाल का जवाब, मिश्रा जी थोड़ा सा जी जी मिश्रा जी कई सवाल का जवाब दीजिए कि उनका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि एमओयू या लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग का फॉलो अप नहीं हो पाता ठीक ढंग से। एक बड़ी दिक्कत यह होती है कि इन्वेस्टर समिट के दौरान तो तमाम चीजें हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद फॉलो करने की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं सुस्त हो जाती है, जिसका एक खामियाजा होता है, मानते हैं आप? ये सब ये प्राकृतिक है, दिस इज नेचुरल। इसको नेचुरल मत बोलिए सर, ये मिसमैनेजमेंट है, इनएफिशिएंसी ऑफ योर गवर्नमेंट है, आप झिझकिए मत बोलिए। आपको पता ही नहीं एनालिसिस, फिर आप काय की कर रहे हैं? सुनो सही, सुनो ना फिर आप। हाँ तो बताइए, आपने बोलने का दिया, आप दुकान में 100 कस्टमर जाता है, ठीक है, 100 जाता है 100 माल खरीद लेता है। अरे सुनो पहले, सुनिए सही, जब इनएफिशिएंसी क्या है, आप बस बात सुनिए, अब आप पूरी बात करने दीजिए। 100 कस्टमर का जाना एक दुकान में और बगल की दुकान में 30 कस्टमर का जाना, यही फर्क बहुत है कि अगर वो 100 कस्टमर आज देख के गया है, उसकी समझ में आता है, खरीदे नहीं खरीदे, 70 खरीदते हैं, 50 माइंड बनाते हैं, कुछ बाद में भी आ सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी कारों के रोज शोरूम लगते हैं, एग्जीबिशन में लाखों रुपया अरबों रुपया खर्च करते हैं, कारें उतनी बिकती नहीं है। सवाल ये है, जिस स्थिति में हम बैठे थे, जिसको लोग हमें समझते थे, उसको सबसे पहले हमें वो प्रेस्टीज बनाने के लिए, अगर हमें 100 कंट्री आज हमारे पास आ रहे हैं, उनमें से अगर 70 प्रभावित हो गए, 25 हो गए, मैं जवाब दे रहा हूँ।
50 साल के अंदर जो कुछ नहीं हुआ, उल्टे गियर में गाड़ी चलती रही, वो हो रहा है। गुजरात सारी चीजें बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद, गुजरात भारत की उत्पत्ति ही बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। विदेश आप लोग ऐसे बोलते हैं कि 50 साल में कुछ था ही नहीं, आप कह रहे 50 साल में कि नहीं, आप भी अरे वो फर्क देखो 10 सालों 50 साल का। मैं मानता हूँ सर, सर देखिए सर इधर उधर उलझाइए मत, अगर अगर बारी बारी से अपनी बात रखेंगे तो दर्शकों को बेहतर समझ आएगा क्या हुआ और इस 10 साल में क्या हुआ, ये फर्क है। इस बिजनेस की आप बात कर रहे थे, हिंदुस्तान ने तरक्की थोड़ी सी नहीं की सर, मैं कंट्री में उत्तर प्रदेश कंट्री में टॉप में क्या बात कर, थोड़ा सा धैर्य रखिए, है ना, दर्शक थोड़ा फिर विचलित हो जाते हैं, थोड़ी देर करते हैं। नहीं डॉक्टर खैरा साहब, मेरा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश, चलिए इस बात को मान लिया कि वहां पर आपकी सरकार नहीं थी, मौजूदा सरकार है, तो अब परिस्थितियां इस तरह की डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि निवेशक आकर्षित हो जाए। गुजरात में तो 16 साल तकरीबन हो गए, 16 साल से ज्यादा गुजरात में क्या बिजनेस नहीं बढ़ा, गुजरात तरक्की पे नहीं है क्या सर? 28 लाख के दावे होते हैं, 11 लाख का एमओयू था, एमओयू 85 लाख करोड़ के, एमओयू जो हस्ताक्षर किए गए थे 85 लाख करोड़ के किए गए थे, सरकार ने दावा किया 28 लाख करोड़ का, लेकिन वेबसाइट शो कर रही है कि 11 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया पिछले 16 सालों में, एग्जीक्यूशन की 16 साल में पास भी नहीं हुए गुजरात की, 11 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया पिछले 16 सालों में, एग्जीक्यूशन की 16 साल में पास भी नहीं हुए गुजरात। गुजरात सबसे पहले शुरुआत हुई थी, इसके पहले इस तरह का सिस्टम कहीं था हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में लोग बिजनेस में आने से डरते थे, इवन अच्छा। हिंदुस्तान के लोग अच्छा क्या इसमें सर बताइए, चले ठीक 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 मैं डॉक्टर रितु गर्ग जी काफी देर से इंतजार कर रही हैं, मैं उनके पास सोच लिया एंटी मोदी मेहमान है के मिश्रा जी, डॉक्टर विजय खैरा प्लीज प्लीज, अच्छा नहीं लगता ना किसी ने, आप बात पूरी करने से पहले कमेंट शुरू कर देते हैं। अच्छा जी फलाना जी, मैं डॉक्टर रितु गर्ग से सवाल कर रहा हूं सर, ऐसा नहीं होता था, सवाल कर रहा हूं सर, ऐसा नहीं होता था, अब ये ऐसा शुरू हुआ है ठीक है, आप आइडिया हुआ है, शुरुआत कर रहे हैं चाइना से, हम लोग शुरुआत की बात कर रहे हैं ना कि हम शुरुआत कर रहे हैं, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए मॉनिटरिंग की बात तो तब आए जब जिसने एमओयू किया है वो कुछ कदम आगे बढ़े, अनेक मामलों में तो एमओयू व्यक्तिगत तौर पर अपने कोई दो काम निकाल देने के लिए, निकलवाने के लिए, सरकार के करीब आने के लिए भी साइन किए जाते हैं, अनेक बार में उत्तर प्रदेश में तो इस तरह का भी हुआ है कि एमओयू साइन होने के साथ साथ रिश्वत की एक रकम भी दी जाती थी। जो उत्तर प्रदेश का इतना भी बुरा हाल नहीं कि आप कैंसर का पेशेंट बनाते हो, कहते एक चीज मैं आपसे और समझना चाह रहा हूँ, सरकार की तरफ से कहा गया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसको हम बढ़ावा देंगे, इसको प्रमोट करने का काम करेंगे, आपको लग रहा है कि इस तरह के आयोजनों के जरिए कि आप 3 दिन 5 दिन का इस तरह का अगर आयोजन होता है तो ब्रांडिंग कंप्लीट हो गई और उसके बाद फिर उनकी ब्रांडिंग की कोई जरूरत नहीं? अक्षय देखिए आपका सवाल बड़ा जेन्यून है, मुझे इस सरकार या किसी भी सरकार की, सारी सरकार की योजनाएं बड़ी अच्छी होती हैं और कल्याणकारी होती हैं, प्रमोट करने के लिए होती हैं। डाउट ये होता है, जो प्रॉब्लम है वो है कि एग्जीक्यूशन इफिशियंसी, हकीकत में आपने कितना कन्वर्ट किया, 3 दिन तक आया मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चले गए, लाखों करोड़ों खर्च हुआ, उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है ग्राउंड लेवल पे। सबसे बड़ी इफिशियंसी जो ड्रॉप होती है वो यहाँ पे होती है, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे हिंड्रेंस है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमिक पॉलिसीज बना लेना बड़ा आसान है, उसको एग्जीक्यूट करिए ना। चले उसी एग्जीक्यूशन की भी हम बात कर रहे थे गोविंद।